अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पत्नी के हत्यारे को रबाले पुलिस ने किया गिरफ्तार, चरित्र पर संदेह के चलते गला दबाकर ली जान। नई मुंबई की रबाले पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले अंबुज तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अंबुज ने पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को खोपोली की झाड़ियों में फेंक आया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 22 जुलाई को अंबुज के परिजनों ने अंबुज और उसकी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उनकी खोज में जुट गई थी। इस बीच 28 जुलाई को अंबुज तिवारी तो मिल गया, किंतु उसकी पत्नी नहीं मिली, जिस पर पुलिस को शक हुआ और उसने अंबुज तिवारी से पूछताछ की। पहले तो उसने टालमटोल किया, फिर जब पुलिस ने गंभीरता से उससे पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस ने अंबुज को उसके पिता और मित्र के साथ गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने आगे और कुछ क्या कहा, आइए सुनाते हैं। महेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति ने 23/7 को शाम को आके पुलिस स्टेशन में बताया कि उसका लड़का और उसकी वाइफ यानी त्याची सून मिळून येत नाही आहेत, ते कोणालाही न सांगता गायब झालेले आहेत, वो मिल नहीं रहे हैं, कहीं चले गए हैं। उसने वो कंप्लेंट देने के बाद में पुलिस स्टेशन ने वो मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की थी 67/2020। दो बड़े व्यक्ति जब गायब होते हैं तो वो संशय का विषय हो जाता है। उस विषय में DCP जोन वन साहब ने गाइडेंस के अनुसार हमने कार्रवाई चालू की, हमने उनको खोजना प्रारंभ किया। तो 28 तारीख के लगभग लेट नाइट में हमने वो अंबुज तिवारी जो लड़का था जो गायब हो गया था उसको ट्रेस कर लिया। उसको ट्रेस करने के बाद में हमने उससे पूछताछ की। पूछताछ तो हमने इजीली चालू की क्योंकि वो मिल गया तो लड़की भी मिल गई होगी, तो लेकिन उसने उसकी वाइफ के बारे में बताया नहीं, वो बैफल करने लगा उसके जवाबों में। इसके लिए उसको अगला इंट्रोगेशन के लिए हमने पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन लाने के बाद में उसको सस्टेन इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद में उसने ये बताया कि उसने 22 तारीख की रात को यानी 23 तारीख की सुबह उसने अपने पत्नी का गला दबाकर, उसकी ओढ़नी से गला दबाकर उसकी हत्या की थी। उसका डेड बॉडी फिर उसने उसी रूम में पानी के ड्रम में डाल के उसका दोस्त जो उस रूम का मालिक है उसको बुला के उससे मदद ले के वो ड्रम उसके टेम्पो में डाल के उन दोनों ने उसको खोपली की दिशा में जंगल में डाल दिया था, बुशस में। सीनियर ऑफिसर्स से सलाह मशवरा करके उनका मार्गदर्शन लेके गुना दाखिल किया गया। उसके बाद में उसका इंट्रोगेशन में वो ड्रम भी हस्तगत कर लिया जिसमें वो डेड बॉडी थी। वो लेडी को आइडेंटिफाई कर लिया है उसके माता पिता ने और इसके माता पिता ने, और वही लेडी है जिसकी हत्या हुई थी। नहीं, इनकी शादी 2016 में हुई थी, उनको एक बच्चा भी है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से उनमें अनबन चल रही थी। देर वॉज ए फाइट बिटवीन बोथ ऑफ देम, मतलब छोटी छोटी बातों पे पति का शक था पत्नी पर, और उस आशय में उसने ये काम किया है। उस दोस्त के घर पे उसने लेके गया उस दिन रहने के लिए और उसी रात को उसने वो हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।